रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस 2022 में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, सावन का महीना है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है और हम लोग प्रोग्राम का शुरुआत हर हर महादेव करके शुरू करेंगे। हर हर महादेव। रेस्पिरेटरी कॉन्क्लेव कॉन्फ्रेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हर साल हम लोग ये प्रोग्राम कराते आए हैं। पिछले दो सालों से ये प्रोग्राम जो है हम लोगों का कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ऑनलाइन के माध्यम से हो रहा था, परंतु भगवान का धन्य हो कि इस बार हम लोग इसको ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी कर रहे हैं। हमारे स्पीकर्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूँ। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल चंदोला सर। ही इज़ एसोसिएट डायरेक्टर एडल्ट CTBS हार्ट एंड लंग ट्रांसप्लांट स्पेशलिस्ट मैक्स हॉस्पिटल न्यू दिल्ली। हमारे साथ हैं डॉक्टर राजाधर सर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनोलॉजी CMRI हॉस्पिटल कोलकाता। इसके साथ साथ हमारे साथ हैं डॉक्टर AK पांडे सर, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट वाराणसी, डॉक्टर RK सिंह सर, इमरजेंसी मेडिसिन SGPGI लखनऊ, डॉक्टर SK पाठक, सीनियर पल्मोनोलॉजिस्ट ब्रेथ इजी वाराणसी, और हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर, प्रोफेसर एंड हेड एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ। हर साल की भांति इस बार भी हमारा टॉपिक कुछ बर्निंग है, तो टॉपिक है लंग अटैक। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, कभी सुना नहीं होगा ये लंग अटैक टाइप का कुछ चीज होता भी है, लेकिन फिर भी आज का ये टॉपिक जो एक बिग अम्ब्रेला है वो हमारे स्पीकर्स, हमारी फैकल्टीज इस पे प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। और हमारा उद्देश्य है कि आपके माध्यम से हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बता दूँ। हमारे जो है चीफ गेस्ट हैं डॉक्टर दयाशंकर मिश्र, दयालु गुरुजी, जो कि पूरा बनारस उनसे परिचित है, किसी परिचय की उनको आवश्यकता नहीं है। कुछ ही क्षणों में हमारे साथ वो हम लोग के सामने रहेंगे। वो द गेस्ट फैकल्टी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर टू प्लीज कम हियर फॉर द प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर SK पाठक सर, डॉक्टर राहुल चंदोला सर एंड डॉक्टर RK सिंह सर, प्लीज। आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी टॉपिक पे है। हमारा जो लेक्चर है लंग अटैक। जब तक कि हमारे चीफ गेस्ट आ रहे हैं, हम लोग कुछ उनका इंतजार कर लेते हैं। वो आ चुके हैं सर, तब तक आप लोग, हमको लगता है कि ठीक है। तो मीडिया बंधु से अनुरोध है कि वो आ करके थोड़ा सा। अच्छा सर, आज का दिन हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हमारे बीच हमारे गुरुजी श्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं और हमारे सीनियर्स एंड रिस्पेक्टेड डॉक्टर RK सिंह हैं एंड हमारे फ्रेंड डॉक्टर राहुल चंद्रा जी हैं। इस बीच और भी हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, आ रहे हैं, ऑन द वे हैं, और हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हमारे माननीय मंत्री जी, बनारस के दिलों में बसने वाले श्री दयाशंकर मिश्रा जी, दयालु जी, वो हमारे बीच में जस्ट अभी उपस्थित हो रहे हैं। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हम थोड़ा सा ब्रीफिंग करना चाहेंगे आप लोग को,
कि जो लंग्स अटैक है, क्योंकि अभी आप लोग ने हार्ट अटैक के बारे में सभी ने सुना होगा हमारे ख्याल से, एवरीवन नोज अबाउट द हार्ट अटैक, बट फर्स्ट टाइम वी आर यूजिंग लंग अटैक टर्मिनोलॉजी इन वाराणसी सिटी, क्योंकि ये वाराणसी सिटी में पेशेंट सांस के बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमने अभी 20 साल से प्रैक्टिस की है और 20 साल में जो मेरा एक्सपीरियंस था काफ़ी अच्छा नहीं रहा, कि खासकर ऐसे मरीज हैं जिनको लंग्स के बारे में जानकारी ही नहीं थी जब मैं प्रैक्टिस शुरू किया था। हमारे सर ने भेजा कि आप बनारस में जाके प्रैक्टिस करिए, वहाँ पर देखिए, तो मैंने जो ऑब्जर्वेशन किया बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को पता ही नहीं थी कि अस्थमा अटैक क्या होता है, सांस की बीमारी क्या क्या होती है, कैसे हम इससे बच सकते हैं, स्मोकिंग कितना खतरनाक होता है, ये सारी चीज़ों के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं था। और मैंने कई ऐसे प्रिस्क्रिप्शन भी देखे हैं जिसमें डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन तो दे देते हैं दवाइयाँ, लेकिन वो पेशेंट्स की हैबिट पर ध्यान नहीं देते। अगर वो हुक्का पी रहा है तो पीने देते हैं, उसके बारे में कुछ बोलते ही नहीं, स्मोकिंग कर रहा था स्मोकिंग के बारे में कुछ बोलते नहीं, बस वो दवा लिखने का काम करते थे। तो ऐसा नहीं है, हमें मल्टी सिस्टम अप्रोच रखनी पड़ती है, इसलिए कि अगर मरीज को उसके कारक, उसके जैसे डायबिटीज़ है, अगर आप शुगर की दवा खिलाते रहिए कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, अगर आप डाइट कंट्रोल नहीं करते हैं, आप मिठाई ये चीज़ें खाते रहते हैं तो आप बिल्कुल कभी नहीं ठीक हो पाएगा, लेकिन आप डाइट के साथ साथ आप मेडिसिन लेते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। वैसे ही अस्थमा है या दमा की बीमारी है या निमोनिया टीबी, ऐसे आप डाइट पे बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है। और यहाँ पर जो हमने टर्मिनोलॉजी ईजाद की है, ये टर्मिनोलॉजी पहली बार बनारस में यूज़ कर रहे हैं हम लंग्स अटैक पर, लेकिन इसका जो स्कोप है यूरोप कंट्री में 2011 से स्टार्ट हुआ। लंग्स थोरेक्स जो हमारी इंटरनेशनल पब्लिकेशन मैगजीन होती है वहाँ से ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट की गई लंग्स अटैक के बारे में। लंग्स अटैक एक अम्ब्रेला होता है, अम्ब्रेला मीन्स उसके अंदर कई सारी सीरियस सांस की बीमारियाँ आती हैं जिसके कारण पेशेंट की डेथ हो जाती है, जिसको हम एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस कंडीशन बताते हैं, वो लंग्स अटैक्स में आती हैं। तो यहाँ पर हमारे एक्सपर्ट हैं जो इस पर चर्चा करेंगे बताएंगे, और मैं चाहूँगा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सर कुछ इस पर प्रकाश डालें तो बेहतर है। जैसा अभी ने बताया कि पहले किसी ज़माने में हमारे शिष्य रहे थे, गुरु को बड़ा अच्छा लगता है जब शिष्य गुरु से भी आगे बढ़ता है, गुरु की कामयाबी इसी में होती है। थैंक यू। तो पहले मैं इनको बधाई देता हूँ कि ये लगातार, मतलब कई सालों से तो मैं ही हूँ, या तो ऑफलाइन था या तो ऑनलाइन था, मैंने देखा इनके कार्यकलापों को, खासकर ये पूर्वी ज़िले हैं, बहुत नेगलेक्टेड थे खासकर चेस्ट के मामले में, तो इन्होंने आके काफ़ी जागरूकता पैदा की। आज का जो थीम है वो लंग अटैक, जैसे आप सबने सुना होगा कि भाई हार्ट अटैक होता है, बहुत पॉपुलर वर्ड है और हिंदुस्तान का लगभग लगभग सब लोग इसके बारे में जानते हैं, भाई हार्ट अटैक क्या हो, उसको कैसे प्रिवेंट किया जाए, कैसे उसको रोका जाए, और हो जाए तो कैसे इलाज किया जाए। तो मैं बधाई देता हूँ पुनः डॉक्टर पाठक को कि इन्होंने एक ऐसा सब्जेक्ट चुना जो अभी सोसाइटी के अंदर इसका ज्ञान, इसका प्रचलन अभी बहुत कम है। जब हम लंग अटैक की बात करते हैं तो जो भी बीमारियां लंग्स की हैं उनमें जब कभी कभी वो बीमारी अचानक बढ़ती है तो उसी को एक तरह से लंग अटैक कहते हैं। जैसे आपने अस्थमा सुना है, तो अस्थमा का मरीज तभी अस्पताल आता है जब उस अस्थमा से उसकी बीमारी बहुत बढ़ जाती है, अटैक पड़ने लगता है सांस का। ये बड़ी कॉमन भ्रांति है वैसे ये, लेकिन है। ऐसे COPD एक बीमारी, उसमें भी आदमी जब तक चल रहा है तब तक कुछ ध्यान नहीं देता है। जैसा अभी पाठक जी ने बताया कि वो सिगरेट और बीड़ी भी पीता रहता है, जबकि उसका कारक वही है। तो जब वो फिर उसको अटैक पड़ता है, उसमें हो जाते हैं, उसका बलगम बढ़ जाता है, उसकी सांस बढ़ जाती है, अस्पताल में आना पड़ता है,
और अस्पताल के अंदर आपने देखा कभी कभी वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन में भी जाता है, इतना क्रिटिकल हो जाता है उसको वेंटिलेटर पर भी डालना पड़ता है, और इस प्रथा में कभी कभी उनकी मृत्यु भी हो जाती, कभी कभी क्या काफ़ी होने लगती है। तो इस तरह से जैसे अभी एक बीमारी हमारी ILD अभी पिछले 10-12 सालों से प्रचलन हुआ, उसमें भी अटैक होता है, उसका भी कभी कभी बहुत क्विकली बढ़ता है अगर उसकी डायग्नोसिस और इलाज सही से ना किया जाए। तो आपने देखा कॉमन बीमारियां जो लंग्स की हैं, चाहे अस्थमा हो, चाहे COPD हो, चाहे वो ILD हो, ये सब कॉमन बीमारियां हैं, और इन सबों में अटैक संभव है और होता भी है, ये हम लोग रोज देखते हैं। अब सवाल इस बात का इसमें जाने की ये है कि लंग अटैक होता ही क्यों है? हार्ट अटैक तो आदमी को ज्ञान के बावजूद भी उनको पता नहीं लगता। अभी देखा वो हमारे क्रिकेट के जो सौरभ गांगुली थे, वो एक्सरसाइज कर रहे थे, उसमें उनको जो है वो धूली और उनको हार्ट अटैक हो गया, MI हो गए। तो कभी कभी बड़ा मुश्किल है रोकथाम, जबकि वो काफ़ी पढ़े लिखे हैं, सब चीज़ रोकथाम कोशिश करते होंगे, लेकिन नहीं। अभी आपने किसी कलाकार को देखा जो अपना प्रोग्राम दे रहा था, कहाँ, कलकत्ता में दे रहा था? कलकत्ता में दे रहा था, हाँ, सिंगर, और वो सिंगर था, और वो उसको हुआ, लेकिन उसका ज्ञान या उसके चारों तरफ जो लोग थे, हम तो यही कहेंगे कि ज्ञान कुछ कम था, अस्पताल ना ले जाके होटल ले गए, और होटल में जाकर के उनकी कुछ देर में मृत्यु हो गई। तो कहने का मतलब आल्दो उधर ज्ञान बहुत है, हार्ट अटैक के बारे में ज्ञान बहुत, लेकिन फिर भी हो रहा, लंग के अटैक के बारे में तो ज्ञान ही नहीं है। मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, कोई अटैक लंग का मैं खासकर अब बात करूंगा, क्योंकि मैं तो लंग का स्पेशलिस्ट हूँ, हार्ट का हूँ नहीं। तो लंग अटैक होने ही क्यों दिया जाए, सवाल ये है। और ये जो बीमारियां बताई, इसमें लंग अटैक तभी होता है जब उस बीमारी की या तो डायग्नोसिस लेट होती है, कभी कभी अटैक में ही उसकी डायग्नोसिस की जाती है, सांस फूली और शुरू में तो जाता नहीं था अस्पताल, अचानक सांस फूली, इतनी सांस फूली कि ऑक्सीजन बहुत कम हो गई, अस्पताल गया, और तब पता लगा इसको बीमारी है। तो कहने का मतलब अटैक किसी भी बीमारी में, खासकर लंग्स की बीमारियों में, इसलिए होता है कि उसका निदान जो है, डायग्नोसिस सही समय पर नहीं होती है। चलो डायग्नोसिस हो गई, अस्थमा का एक मान लिया नॉन मरीज है, उसको पता है मुझे अस्थमा है, जब उसे तकलीफ नहीं होती तो एक भ्रांति ये है, डॉक्टर साहब पता नहीं क्यों दवाई दे रहे हैं, अब तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, सारा काम भी कर रहा हूँ, तो वो दवाई को या तो छोड़ देता है या डोज कम कर देता है, फिर क्या होता है कुछ दिनों बाद, फिर उसको उसी का अटैक पड़ता है, फिर वो अस्पताल भागता है। नॉर्मल दशा में अगर कम पैसा खर्च होना है उसका, तो अगर अटैक की दशा में गया तो आप जानते हो भाई, उसी को वेंटिलेटर पर रखा जाएगा, बहुत पैसा खर्च होगा। तो मेरे कहने का मतलब ये है, लंग अटैक को हम रोक सकते हैं, इलाज तो जब हो गया तो अस्पताल वाले ने तो करना ही करना है, लेकिन हमारा मानना वो दशा आए ही क्यों। मैं आपको छोटा एग्जाम्पल देता हूँ, ये जब इनहेलर अस्थमा के लिए आया, मैं 90 की बात कर रहा हूँ, यानी 90, 20, 10, 30 साल हो गए शायद इंडिया में, लखनऊ में, इंडिया में तो मैं नहीं जानता, लेकिन लखनऊ में मैं पहला डॉक्टर होऊंगा जिन्होंने इनहेलर लिखा, पहले इनहेलर लिखा नहीं जाता था, पहले तो गोलियां इंजेक्शन लगती थी। तो एक मरीज मुझे अभी मिला, बैंक का मैनेजर था, तो उसको मैंने उसी 90 के दशक में, उस वक्त दवाएं भी इनहेलर कम आती थी, अब तो सब कंपनियां इनहेलर ही इनहेलर बना रही, एक कंपनी को इनहेलर उसका मैंने लिखा, वो मुझे अभी मेरे पास आया लगभग 1 साल पहले। तो बैंक का मैनेजर था, भाई मरीज, देखिए हम डॉक्टर हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, तो डॉक्टरों से तो दोस्ती, मरीजों से भी दोस्ती हो जाती है, समझ गए, और होना चाहिए। मैं कहता हूँ मरीज, मैं तो अक्सर कहता हूँ, मरीज को आप अपना समझिए, अपने घर जैसा समझिए, तब तो आप मरीज का भला कर पाए।
ये मैं सबको ट्रेनिंग है, पाठक जी को भी ये ट्रेनिंग दी थी, बल्कि बीच बीच में हम डांटते भी रहते थे, भाई अपना समझो ना, क्यों डांट रहे हो उसे, हैं? अगर तुम्हारे पिताजी आ जाते तो ऐसे तुम व्यवहार करते? तो कहने का मतलब अपना समझिए उसकी। तो वो जो आया बैंक वाला, हमने कहा यार तुम 20 साल हो गए, तुम रहे कहाँ, और हमें तो बड़ी खुशी तुम जिंदा हो, क्योंकि अस्थमा का मरीज था। बोले डॉक्टर साहब आपने वो जो दवाई इन्हेलर लिख दी थी, तो हमने कहा वो इन्हेलर भी मिल रहा? बोले साहब मिल रहा है। और मैं साहब रिलीजियस, आपने कह दिया था कि ये शायद जीवन पर्यंत, लेकिन क्या होता है अस्थमा के मरीज, डॉक्टर लोग डरते हैं, बता देंगे कि जीवन पर्यंत दवाई लगभग लगभग चलना है, तो हमको छोड़ के दूसरे जाएगा। अरे भाई जाए, जो सच्चाई है उसको आप छुपा नहीं सकते। तो उसने कहा साहब, मुझे मैं कोट कर रहा हूँ, उसने कहा कि डॉक्टर साहब मैं आपका इन्हेलर तो तब से रेगुलर ले रहा हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। फिर मैं एक दिन डरा कि आपने कहा था यार साल में 6 महीने में एक बार तो दिखा लिया करना, तो मैं साहब उसी डर के मारा दिखाने आया हूँ, अभी भी मुझे कोई तकलीफ नहीं है, और पिछले 20 सालों में मुझे कोई अटैक नहीं पड़ा। निष्कर्ष क्या निकला? दवाई अगर डायग्नोसिस सही हो जाए, दवाई सही लिख दी जाए, मरीज उस दवाई का कंप्लायंट हो जाए, मरीज अपना भी दिमाग लगाने लगते ना, पता नहीं डॉक्टर क्या लिख रहे हैं, कंप्लायंट हो जाए। तो मैंने एग्जाम्पल पेश किया, वो पिछले 25 सालों से अस्थमा का रोगी है, बिल्कुल अपना जीवन नॉर्मल बिताता है, कोई चीज उसको अटैक नहीं पड़ा, जबकि हम रोज अस्थमा का अटैक देखते हैं, और जब पता लगाने की कोशिश करते हैं तो ये लगता है भाई इसका डायग्नोसिस तो सही थी, दवाई भी सही लिखी थी, लेकिन ये दवाई का सेवन नहीं कर रहा। तो एक डॉक्टर का रोल ये भी बनता है, ये सब हम लोगों ने अपने पीजीज को बहुत अच्छी तरह ट्रेन किए हुए हैं, आपका काम सिर्फ दवाई लिखना नहीं है, आपका काम मरीज को इतना एजुकेट करना है जितना जरूरी है, और जिससे वो आपका दवाई का कंप्लायंस जो जो रोग है उसके हिसाब से करता रहे। तो मेरे कहने का मतलब है अटैक्स लंग में भी नोन है, लंबा समय नहीं लूंगा, और ये अटैक पड़ने का मुख्य कारण ये होता है कि ठीक से दवाई नहीं करना, उसकी डायग्नोसिस बहुत देर से होना, और दवाई छोड़ने में मैं अक्सर कहता हूं, मेरा अपना मानना है, मानना नहीं, 45 साल से मैं भी डॉक्टरी कर रहा हूं, 45-55 साल ज्यादा ही हो गया, तो मैं कहता हूं ये भी हम डॉक्टरों की कमी। अगर हमारा मरीज दवाई छोड़ रहा है, जब मैं टीबी कंट्रोल में, अभी भी टीबी कंट्रोल में काम करता हूँ, तो मैं देखता था हर टीबी क्लिनिक का डिफॉल्ट रेट फर्क, हर डॉक्टर का डिफॉल्ट रेट फर्क, तो क्या कारण है, ऐसा क्यों, दवाई तो वही है, डायग्नोसिस वही है, लेकिन मरीज तो जहाँ पर जो डॉक्टर हेल्थ एजुकेशन पर ज़्यादा एम्फोसाइज नहीं करते हैं, जो हमारी ड्यूटी है, क्योंकि हम तो कहते हैं अगर हमने दवाई लिखी है तो ये हमारा ही परम कर्तव्य है कि वो हमारा मरीज दवाई को पूरी तरह से खाए। एक चीज, ये चीज करना बहुत जरूरी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कभी कभी हम लोग ये नहीं कर पाते हैं, और नहीं ना करने पाने का बड़ा 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 लॉजिक रीजन भी बहुत सही है। भारतवर्ष में आप देखते हो मरीजों की संख्या कितनी, अस्पताल में हरे पड़े हैं मरीज, और डॉक्टर, ऐसा नहीं कि डॉक्टर बहुत इपराध में है, डॉक्टरों की भी कमी ही है। तो सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, हमारे बीच हमारे चीफ गेस्ट डॉक्टर दयाशंकर मिश्र जी आ चुके हैं।
हमारे बीच हमारे बनारस की शान, बनारस के दिलों में बसने वाले माननीय मंत्री जी श्री डॉक्टर दयालु शंकर मिश्रा जी उपस्थित हैं। इनको तहे दिल से स्वागत करते हैं तालियों के साथ। मंत्री जी को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, चूँकि मैं 20 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और अक्सर कहीं ना कहीं मुलाकात हो जाती है, लेकिन आज हमारे बीच में आए मुझे बहुत खुशी हुई कि ये जो चेस्ट कॉन्फ्रेंस है ब्रीथी जी हॉस्पिटल की तरह ऑर्गेनाइज करेगी। हमारे कई सारे एक्सपर्ट यहाँ पर उपस्थित हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो आपके बगल में बैठे हैं, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हमारे गुरु जी हैं। डॉक्टर राहुल चंदोला जी हैं, ये कार्डियक सर्जन हैं, दिल्ली से आए हुए हैं। डॉक्टर आर के सिंह हैं जो SCPGI से क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं। और हमारे बीच डॉक्टर अमित जौहरी सर हैं, डॉक्टर संजय जी हैं, कई सारे लोग हैं आपके स्वागत के लिए आगंतुक थे। मैं इस कार्यक्रम का संचालन के लिए कोशिश करूंगा कि एक छोटी सी ब्रेस ब्रीफिंग मंत्री जी से और हमारे एक्सपर्ट से हो जाए तो बेहतर रहेगा। धन्यवाद। तो मंत्री जी, पहले तो आपका स्वागत है। हमने सुना है आप बनारस में बहुत ही पॉपुलर लोगों में से हैं, तो मैं यहाँ बात कर रहा था जो आज का जो कॉन्फ्रेंस की जो थीम इन्होंने रखी है लंग अटैक। काफी मैं बोल चुका हूँ, लेकिन आपके सामने मैं दो चार लाइन और उसमें बोलना चाहूंगा। जैसे हार्ट अटैक होता है, उस तरह लंग्स की बीमारियों में भी अटैक होता है, लेकिन लोगों का ज्ञान हार्ट अटैक के बारे में तो काफी है, लेकिन लंग अटैक के बारे में ज्ञान कम है। तो ये कॉन्फ्रेंस की थीम यही रखी गई है कि जिससे पहले हम ये प्रेस के अपने बंधुओं को इस बात को बतावें तो वो भी लिखें तो पूरी पब्लिक तक पहुंचेगी। और हमारे डॉक्टर लोग हैं जो अब अल्टीमेटली मरीजों का इलाज करते हैं, इनको भी उनका ज्ञान बढ़ाया जाए तो मरीजों का भी सोसाइटी का भी फायदा हो। तो मैं लंग अटैक के बारे में बता रहा था। जो भी लंग्स की बीमारियां हैं, सब में अटैक होता है। सवाल यह क्यों होता, मैं बता रहा था कि जब इलाज सही से नहीं होता है, इलाज मरीज बीच बीच में छोड़ के लेता है, तो उसी में अटैक पड़ने, जैसे अस्थमा का मरीज है, सांस नहीं फूल रही है, उसने दवाई छोड़ दिया और कुछ दिनों बाद उसको सीरियस अटैक अस्थमा का पड़ेगा तो उससे अटैक है। दूसरी बात मैं कह रहा था कि रोकथाम के लिए क्या करना है। रोकथाम के लिए यही करना, लंग अटैक ना, पहली बात ना पड़े तो बहुत अच्छी बात है। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल दे दिया कि 20 साल से मेरा एक बैंक का मैनेजर था, वो दवाई मैंने 20 साल पहले लिखी थी, आया नहीं था, तो पहले मैंने डांटा, भाई 20 साल से तुम कहाँ हो, चलो अच्छी बात तुम जिंदा हो, क्योंकि तुमको बीमारी तो बड़ी भयंकर थी। बोले साहब, जो आपने उस बार मेरे को इतना डांट के समझाया था, देखो दवाई मत छोड़ना। मैं अक्सर कहता हूँ अस्थमा के मरीजों को, एक दिन खाना मत खाना वो सही है, लेकिन दवाई मत छोड़ना। दवाई हम ही लोग, जो तुम्हारा डॉक्टर है या मैं तुम्हारा डॉक्टर हूँ, हमसे बात करके तब करना, नहीं तो बड़े बुरे फल सुनो। तो कहने का मतलब, मैं एक बात और कह रहा था, हम डॉक्टरों का, चूंकि कुछ डॉक्टर लोग भी बैठे हैं, हम डॉक्टरों का फर्ज ये भी है कि हम सिर्फ दवाई ना लिखें, दवाई को देखिए, हमारी ये लिखा हुआ, हर जगह लिखा हुआ, मैं तो बहुत पढ़ाता हूँ कि दवाई डॉक्टर का लिखना तो काम है, लेकिन डॉक्टर का काम ये भी है कि मरीज को इतना एजुकेट करे कि मरीज दवाई ठीक से ले और पूरी तरह से ले, तब वो रोग ठीक हो पाएगा। तो ये भी हमारा परम कर्तव्य बनता है कि हम इस तरह जब हम मरीजों का इलाज करेंगे, सही डायग्नोसिस करेंगे और उनको एजुकेट करेंगे। मैं हमेशा, मेरा मानना है, दुनिया में चेंजेस जो आएंगे वो थ्रू एजुकेशन आएगा। आप देख रहे हैं कितना चेंज हो रहा, बिना ज्ञान के और ज्ञान को बिना चारों तरफ फैलाए हुए। आप टीवी का, हम लोग कहते हैं टीवी में आप सबको पता है 50-60% मरीज ही सरकार में आते हैं, लेकिन वहां सरकार में तो ठीक है, जो आते हैं उनका तो सब बड़ा है, इलाज भी सही है, सब कुछ है। जो नहीं आते हैं, क्यों नहीं आते, उनको ज्ञान की कमी है कि भाई सरकार में दवाई फ्री है, डायग्नोसिस फ्री है,
लाखों और लाखों लाखों की दवाई फ्री मिल दी जाती है। इस खासकर जितनी नई दवाएं हैं टीबी में, सब हमारे मोदी जी ने सबको नया नया सब इंट्रोड्यूस कर दिया, अब हर दवाई मिल रही है। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान की कमी है कहीं पे, तो जो 30-40% लोग अभी भी इधर उधर भटक रहे हैं, तो हम एजुकेशन के, तो मैं मानना है एजुकेशन एक बड़ा बहुत ही एक बहुत इफेक्टिव टूल है। अबे हम तो जीवन भर पढ़ाते रहे, 50 साल से ज़्यादा हो गए पढ़ाते हुए, और मतलब हमने हमेशा इस बात को एम्फेसाइज किया है। तो मैं ज़्यादा ना बोल के, मंत्री जी भी आ गए हैं, मेरा कहना यही है लंग अटैक होते हैं, उसका ज्ञान जरूरी है और उसके ज़्यादा उसकी रोकथाम जरूरी है। और रोकथाम के लिए हम जब सही डायग्नोसिस करेंगे, सही इलाज लिखेंगे, मरीज को समझाएंगे कि इलाज इतना करना है, ऐसे करना है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया अस्थमा के रोगी को, मैं अक्सर समझाता हूँ, बोले साहब किसी डॉक्टर ने कहा साहब 3 महीने में ठीक कर देंगे, हमने भैया फिर ऐसा वो नहीं सही है, जितना साइंस, किसी डॉक्टर की बुराई क्यों करना चाहिए, हमने भाई मेरे हिसाब से तो वो सही नहीं है। अस्थमा का रोग लगभग लगभग जीवन पर्यंत चलता है, और इसमें आप दवाई लेते रहेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे, ना आपको अटैक पड़ेगा ना कोई। और इन शब्दों के संग एक बार मैं पुनः डॉक्टर पाठक को बधाई देता हूँ। आज मैंने जैसे शुरू में बताया, ये हमारे बहुत प्रिय विद्यार्थियों में रहे थे KGMC में, किस दशक कब रहे थे भाई पाठक? 98 के आसपास रहे थे, इन्होंने MD वहीं हमारे अंडर में की थी, और मैं इनको हमेशा हर जगह मैं कोट करता हूँ इनका नाम। देखो भाई, एक डॉक्टर पाठक है बनारस में, जो हर साल, क्योंकि हमारे एजुकेशन में अब NMC के एट्रीब्यूट्स में आ गया है कि डॉक्टरों को सिर्फ पढ़ाई तो है, पढ़ाई के अलावा उनको जीवन कैसे जीना है, उनको कॉन्फ्रेंस कैसे करनी है, उनको जो है वो सारे एट्रीब्यूट्स में आप लिखे। हम लोग तो 50 साल से अपने आप कर रहे थे, लेकिन अब हमें बड़ी खुशी ये सब लिखत पढ़त में अब नेशनल मेडिकल कमीशन में आ गया है। आपको प्रोग्राम्स के बारे में जानना, पहले मेडिकल कॉलेज के लोग कहते थे टीवी प्रोग्राम को जानना है, अब लिखत आ गया कि हर मेडिकल कॉलेज का टीचर जानना जरूरी है, उसको जानेगा नहीं तो कैसे बात करेगा आगे। तो अपना ज्ञान बढ़ाना है, मरीजों का ज्ञान बढ़ाना है, ये सब करेंगे तो लंग अटैक्स। और सब्जेक्ट मैं एक बार पुनः बधाई देता हूँ, इन्होंने बहुत ही अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट चूज किया है, और ये इस पूरे पूर्वांचल में जितना मैं जानता हूँ इन्होंने लंग्स डिजीज के बारे में काफ़ी मेहनत किया है और काफ़ी अवेयरनेस बढ़ाई है। एक बार मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ कि इन्हें हर साल की तरह इस साल भी इन्होंने अपना डस्टबिन, और मैं अपनी तरफ से इनको बधाई देता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सर। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं दीप प्रज्वलन की, तो मैं अनुरोध करूंगा हमारे सारे गेस्ट फैकल्टीज आगे आए दीप प्रज्वलन के लिए। सही नवीन क्या? लाइन से खड़े रहिए, बैठ जाओ भैया, सब लोग एक साथ हाथ लगा दीजिए, प्लीज मोमबत्ती दीजिए, मंत्री जी को मोमबत्ती। अनुरोध
सारे डॉक्टर्स हैं, ये रिनाउंड स्पेशलिस्ट हैं अपने अपने फील्ड के, जैसे डॉक्टर आर के सिंह हैं सर, ये CPGI के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट हैं, डॉक्टर ए के पांडे सर हैं, रिनाउंड कार्डियोलॉजिस्ट हैं, डॉक्टर राहुल चंदोला जी हैं जो मैक्स हॉस्पिटल के कार्डियो ट्रांसप्लांट सर्जन हैं, और हमारे बीच डॉक्टर अमित जौहरी सर हैं। तो हम सभी का, और इस बीच जो हमारे में सुने पर सुहागा जिसे कहा जाए कि इस समय हमारे पास सुने पर सुहागा हमारे मंत्री जी हैं जो इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, अपना बहुमूल्य समय निकाल कर इस कार्यक्रम में आने की कोशिश किए, ये हमारे लिए सौभाग्य है। सभी ब्रीथी जी हॉस्पिटल टीम की तरफ से उनको तहे दिल से स्वागत करूँगा, और मैं चाहूँगा कि वो अपने आशीर्वाद वचन हमारे स्टाफ्स हमारे कोलिग्स को दें। धन्यवाद। ब्रेथीजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के अधिष्ठाता डॉक्टर SK पाठक जी और उनके गुरु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राहुल चंदोला जी, डॉक्टर RK सिंह जी, डॉक्टर AK पांडे जी, डॉक्टर अमित जौहरी जी, और एक नकली डॉक्टर मैं हूँ। नहीं सर, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप जनता के डॉक्टर हैं सर। मैं PhD वाला डॉक्टर हूं, लेकिन मंत्रालय जो मिला है वो सौभाग्य है, एक नॉन मेडिको व्यक्ति को एक ऐसी विधा का मंत्री बनाया गया जो बॉटनी से PhD है, लेकिन कुछ संयोग भी है कि जो हमारा आयुर्वेद है, आयुष का मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, योगा, नेचुरोपैथी, सिद्धा, सुवारिक्पा, ये ऐसी 7 विधाएं हैं जो मेरी आयुष मंत्रालय से जुड़ी हुई हैं, लेकिन बहुत दूर तो नहीं, थोड़ा करीबी मामला है मेरा भी, कि क्योंकि मेरी पढ़ाई है बॉटनी की, वनस्पति विज्ञान की, और जो हमारा आयुर्वेद है, चाहे वो सिद्धा हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे वो सुआ रिंगपा हो, पहाड़ों से लेकर हिंदुस्तान के सबसे नीचे के राज्य तमिलनाडु तक ये विधाएँ प्रचलित हैं, और इनका कहीं ना कहीं से रिश्ता पेड़ पौधे जड़ी बूटी, वो आंगन की तुलसी क्या, वो चट्टानी ज़मीनों पे उगने वाला एलोवेरा क्या, वो आपके दरवाजे की नीम क्या, वो पेड़ों पे चढ़ने वाली लता जिसको आपने इस कोरोना के काल में आपदा में भी अवसर अगर किसी के लिए था तो शायद वो मेरे ही आयुष के लिए था, कि हमारे आयुष को काढ़े को सारे हिंदुस्तान ही नहीं दुनिया ने सराहा और पिया, बिना पिलाए पिया, हर घर में काढ़ा बनने लगा, वो हमारी जो गिलोय थी गुरुज अमृता। तो थोड़ा करीबी मेरा भी मामला है, क्योंकि जड़ी बूटियां जो आती हैं वो पहाड़ों से लेकर आपके दरवाजे के आंगन के तुलसी तक, वो सब कुछ एक जंगल जलेबी होती है, एक पौधा है जिसको हम आप कटवा देते हैं जबरदस्ती, वो भी मेडिसिनल प्लांट है। आपके प्रकृति में आपके जीवन के इर्द गिर्द ऐसा कोई पौधा नहीं। आपको याद है किसी जमाने में गांव से लेकर शहर तक आपके जीवन में घर के जो घरेलू लोग थे, पुराने लोग थे, बुजुर्ग थे, वो आपका इलाज उसी पद्धति से करते थे। वो जो गदह पूर्णा, हमको पीड़ा जब गांव में जांडिस होती थी तो लोग कहते थे कि उसकी जड़ पीस के पिला दीजिए, वो भूमि आंवला, तो मेरी दुनिया वहां तक है। लेकिन आज यहाँ मंच पर इतने बड़े बड़े विद्वान हमारे बैठे हैं जो मॉडर्न मेडिसिन के अपने अपने विधाओं के, मेरे भी पिता चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, मैं भी कई साल तक तैयारी करता रहा, सच्चे मन से नहीं, अपने पिता के कहने के अनुरूप
दिखावे के लिए मैंने बनारस में कृष्णा कोचिंग हुआ करती थी, उसमें मैं पढ़ाई करता था। लेकिन मेरी किस्मत में शायद डॉक्टर बनना आप जैसे लोग जैसे सौभाग्यशाली बनना नहीं था, तो मैं डॉक्टर नहीं बन पाया। मेरे एक दर्जन दोस्त हैं जो मेरे साथ मेरी कोचिंग में पढ़ा करते थे, आज वो सारे लोग डॉक्टर हैं। मैं पिछड़ गया, लेकिन ईश्वर की कृपा है कि आप सबके बीच में बैठने का अवसर मिल रहा है। डॉक्टर साहब के निमंत्रण पर मुझको जब था कि आपके बीच में आना है, तो मुझे खुशी हुई कि बनारस के, जैसा भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी कह रहे थे कि एक सुयोग्य गुरु के सुयोग्य शिष्य हैं, जो अपने गुरु की उस परंपरा का और अपनी उस विधा का प्रचार प्रसार काशी की ये पहचान बन गए हैं। हम लोगों से भी लोग पूछते हुए आते हैं कि डॉक्टर एस के पाठक के पास जाना है, तो आपने जैसे कहा कि हम सब लोग जब गर्मी का मौसम आता है खेतों में, या जहाँ तक, चूँकि मेरी पढ़ाई काशी हिंदू विश्वविद्यालय से हुई है, तो हमारे यहाँ एक गाजर घास होती है, वो गेहूं के पौधे में ज़्यादा होती है। वैसे सड़कों के किनारे वो जंगली एक पौधा है, लेकिन कहीं न कहीं से जब सांस के मरीजों के लिए वो बहुत कारक बनती है। डॉक्टर साहब मैं गलत तो नहीं कह रहा? डॉक्टर अजय पांडे जी भी हम लोग के बीच में आ चुके हैं। तो उसको काटने का अभियान चलता है, बी एच यू की बात जहाँ तक मेरे जहन में है। तो सांस के रोगों के लिए ये सारे वो आपके जो वातावरण में घुले हवा में ऐसे कण हैं, ऐसे तमाम जिनसे कि आपको नुकसान पहुंचता है। जी, एलर्जी का बहुत बड़ा कारण है वो। जी, वो गेहूं के खेतों में इफरात अपने आप जन्म लेता है। किसान भी परेशान रहते हैं गांव में उसको काटने के लिए, क्योंकि जब उसकी फसल कटती है गेहूं की, तो उसी के साथ वो अनाज में भी, घरों में बोरे में भी पैक हो जाता है वो। तो अब आपकी विधा में मुझको ये ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपको सुनूं, आपके विचारों को जानूं, और आपकी इस विधा से, आपके इस प्रचार प्रसार से निश्चित ही समाज में जागरूक लोग होंगे। आपने कहा ना कि दवा के साथ साथ लोगों का जागरूक होना, लोगों का अपने इलाज के प्रति, अपने रोगों के प्रति। मैं एक दिन अपने एक रिलेटिव, छोटी सी घटना बता के अपनी बात ख़त्म करूँगा। एक रिलेटिव के घर में जा रहा था, तो उनके दरवाजे पर उतरा तो देखा कि वो लोग अपनी सिस्टर को लेके गाड़ी में बैठा के ले जा रहे थे। तो मैंने पूछा कि इनको प्रॉब्लम क्या है, तो बोले रिलैक्सेशन के लिए इनको लेके जा रहे हैं, इनका हाथ हिलता है लगातार। तो वो बड़ा डिप्रेशन में थी, तो फिर मैं उनको लेके बीएचयू गया, अपने न्यूरोफिजिशियन लोगों के साथ, सारे लोगों ने डिस्कस किया उनको, तो उनसे कहा कि आप ठीक हो जाएंगी। बहुत देर काउंसलिंग के बाद, उनकी सारी बातों को सुनने के बाद, तो फिर उनको दवाएं उनकी शुरू हुई। और यकीन नहीं करिएगा कि एक दिन की दवा में नेक्स्ट डे उनका हाथ का हिलना बंद हो गया। अगले दिन ज्योतिया थी, क्योंकि वो बच्चे की माँ है, तो उनको लगा कि मेरा फ़र्ज है कि अपने बेटे के लिए व्रत रहूं। तो उन्होंने निराजल रह के अगला दिन पूरा बिता दिया सुबह से शाम तक। फिर वो शाम को बेहोश हो गई, और फिर से उनका रोग, फिर से हाथ का हिलना शुरू हो गया। तो जब मैं तीसरे चौथे दिन लेके बीएचयू पहुंचा, तो लोगों ने उनको खूब डांटा, कहा कि आपने हमारी दवाओं का जो असर हुआ था आपके शरीर पर, उसको आपने बेकार कर दिया। खैर, फिर से इलाज शुरू हुआ, वो ठीक है। तो अब उनके लिए ज़रूरी था कि वो अपने व्रत को छोड़ देती, और अपनी दवाओं को अगर वो कंटिन्यू करती लगातार बीच में बिना रुके। वैसे ही है, लोग अपने मन से दवाओं को बंद कर देते हैं, उनको लगता है बहुत खा लिया, आप तो ठीक भी हो गए। लेकिन मुझको लगता है कि आपके मर्जी के बगैर, आपकी सलाह के बगैर, जैसे हम दवाओं को शुरू करने के लिए आपकी राय लेते हैं, वैसे ही दवाओं को ख़त्म करने के लिए भी निश्चित ही आपकी राय बहुत मायने रखती है। जब आप आश्वस्त हों, जब आप किसी से कहें, लेकिन लोगों को लगता है कि अरे तो एकदम चमत्कार हो गया मेरे साथ, मैं तो एकदम ठीक हो गया। फिर वो जो लापरवाही है, विशेषकर टीबी के मरीजों को, जिसके लिए सरकार, अभी एक दिन एमडीआर के मरीज की मैं पैरवी कर रहा था बीएचयू में,
तो पता लगा कि बहुत वेटिंग है वहाँ, तो पूछा कि ऐसा क्या है, तो पता चला कि आपकी MDR की जो दवाएं हैं वो इतनी कॉस्टली हो चुकी हैं कि 10 से 14 लाख रुपया तक रेंज है उन दवाओं की, जो आपकी टीवी जब बिगड़ जाती है तो फिर वो लास्ट स्टेज जैसे आप कह सकते हो, तो सबसे बिगड़ी हुई जो टीवी है उसके इलाज की दवाओं का बजट शायद अब किसी व्यक्ति के खुद से वो न कर पाए उसका इलाज, सरकार आज उसके लिए आपको दवाएं देती है, लेकिन उसके लिए पूरा प्रोसेस है कि आपकी दवाओं की लिस्ट फिर यहाँ से लखनऊ तक जाती है फाइनल होके फिर आपको। तो मुझको लगा कि वो इतना कीमती दवाएं अगर आज सरकार उपलब्ध करा रही है तो निश्चित ही बहुत बड़ी मदद है समाज की और उन रोगियों की। इन्हीं बातों के साथ ये मेरा सौभाग्य है कि आपने अपने बीच में बुलाया है, तो बहुत तो नहीं लेकिन आपको जितना भी सुन पाऊंगा, जितना देर आपके साथ रहूंगा मुझको अच्छा लगेगा, और आपके विचारों से अपने को जोड़ते हुए इन्हीं बातों के साथ धन्यवाद। जय हिंद सर। धन्यवाद सर, आपने अपने विचारों को व्यक्त किया, हम लोग को काफ़ी खुशी हुई। इस बीच हम काफ़ी अथक परिश्रम से एक मैगजीन अपनी हॉस्पिटल ब्रिथी हॉस्पिटल की चढ़ इसका विमोचन के लिए प्लीज़ आप लोग अपने, ये मैगजीन है, ये मैगजीन जिससे हम लोग जो सोसाइटी में जो एक्टिविटी करते हैं और लोगों का अवेयर करते हैं इसके लिए जो है ये हम लोग इस मैगजीन का विमोचन हर साल करते हैं और लगातार लोगों को एजुकेशन करने के लिए हमारी 200वां बालूम है जो लगातार हर महीने रिलीज होती रहती है, और इस मैगजीन के माध्यम से हम अपने डॉक्टर्स, अपने पैरामेडिक स्टाफ्स और अपने समाज के लोगों को जागरूक करते हैं। इसमें इस मैगजीन का आज का थीम था वो लंग अटैक, जिस पर चर्चा है। आपके बीच में ये मैगजीन जरूर होगी, आप इसको पढ़ेंगे कुछ नॉलेज ऐसी मिलेगी जो आपको शायद कहीं नहीं मिले, और बेहतर है वो हिंदी और आम भाषा में लिखी हुई है। तो मैं अपने गुरुजन, अपने सीनियर्स और अपने मंत्री जी से गुजारिश करूँगा कि इस मैगजीन को जरूर अपने पास रखें और लोगों को सचेत करें। धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि हमारे मंत्री जी का एक स्वागत किया जाए, क्योंकि अभी तक तो हम लोग काफी विचारों को सुने। और अनुरोध है कि कार्यक्रम बाइट्स का 5 मिनट के अंदर क्लोज करें, उसके बाद हाईटी के बाद हम अपना साइंटिफिक सेशन शुरू करने वाले हैं।